और मेरे को भयंकर ये समझ नहीं आ रहा है इनको भैंसो मोटिवेशन देता कौन है यार इतने फॉर्म भरने लायक। मैं होता सारा अभी तक आत्महत्या कर देता। मेरे दोस्त यार मैं दुआ करूंगा इस बार तो SSC की भर्ती हो जाएगा यार भाई। लेकिन की करो भाई, बोलने तो ना पाने वाली भी हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे आप लोग, होप करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज है भाई 9 तारीख, तो आज है भाई चॉकलेट डे। तो चॉकलेट डे के दिन ये बता दो, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बस स्टेशन छोड़ने। तो भाई का SSC जी था भाई, बोल तो रहा था ठीक गया करके। तो देखते हैं भाई अभी कैसा सीन रहता है। फिलहाल तो अभी भाई को छोड़ने जा रहा हूँ मैं। तो अभी बज चुके हैं भाई सुबह के 9। तो आज भाई मैं काफ़ी लेट उठा यार, आज 8:30 बज गया भाई। यार मैं आज हाईवे से नहीं जा रहा क्योंकि यार हाईवे में थोड़ा बहुत जाम लगी जाता है, इसलिए यार गली गली से निकाल के। तो फिर हम अभी निकलेंगे तिकोनिया तिराए पे और उसके बाद निकलेंगे भाई बस अड्डे। भाई देख रहे हो, मतलब गली से आने का एक यही फ़ायदा होता है कि भाई ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता है और आप मतलब शर्ट सूट आराम से चल सकते हैं। अगर मैं अभी मेन हाईवे की तरफ से आता तो काफ़ी लेट हो जाते यार। तो भाई को भी देखते हैं गाड़ी वाड़ी कैसा मिलती है। और ज़िंदगी काफ़ी ख़राब चल रही है यार, मतलब अब भाई को हम अलविदा कहेंगे और उसके बाद ऐसा झटका देंगे कि कहेगा यार आज से मैं आऊँगा नहीं तेरे वहाँ। तो देखते हैं भाई अभी कैसा सीन रहता है। वीडियो को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की सोच रहे हैं। तो भाई ये पहुँच चुके हैं अपने हम तिकोनिया तिराया, तो यहाँ से चलेंगे भाई बस अड्डे की ओर। तो भाई ज़िंदगी काफ़ी ख़राब चल रही है। लड़की को ओयो ले जाने के दिन में हम लौटों को भाई बस अड्डे छोड़ लें। ये बस अड्डे का एरिया है, यहाँ से जाते हैं भाई बस अड्डे। मतलब बस अड्डे के लिए दो हैं, एक तो फ्रंट वाला है, ये बैक साइड वाला है। तो हम जा रहे हैं भाई बैक साइड से। वेलकम टू बस अड्डा भाई। लोग भी कहेंगे साला मोटो व्लॉगर बस अड्डे में क्या कर रहा है। गर्लफ्रेंड को ओयो ले जाने के दिनों में मैं अपने दोस्त को छोड़ने आया था भाई बस अड्डे। तो भाई का SSC का पेपर था तो कल आया था वो, तो आज चले गया भाई पेपर वेपर दे के। तो अभी भाई को छोड़ के मैं निकल रहा हूँ। दो शब्द ऐसे भाई लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो चले भाई पहले निकले यार। यार जब से मैंने अल्डानी रूम ले रखा है ना, मतलब हर महीने हर हफ्ते मतलब कोना को लॉन्ड मॉडअप पूछी जाम रहे। मतलब कोई कुमरी में SSC पेपर देने आ रही हूँ, कोई कह रहा है मैं पटवारी का पेपर देने आया हूँ, कोई कह रहा है मैं पुलिस की भर्ती देखने आया हूँ। मतलब महीने में चार हफ्ते में 4 से 5 लोग मतलब पहुंचे जा रहे हैं। छोटा मोटा की उम्र नहीं है, मतलब 28-29 साल हो गए, लेकिन आज ले उन फॉर्म भरने ना छड़ में, आज ले वो लास्ट स्थिति में थो उमेले लोग वो कुमरी कि यार एक तो निकल जाओ, मैं लास्ट तैयारी छ यार, मैं लास्ट फॉर्म भर रही हूँ, वो एक बात तो मेरे मन भरू। मतलब तो मैं कहूँ यार एक बार लास्ट ट्राई कर ले कि पत्तो हो जा लो। मतलब वो आस में छे कि यार एक बार तो हो जाओ, मतलब के में तो हो जाओ। मतलब लौट मटा सोचन में रहन, मतलब सरकारी नौकरी होनी चाहिए नहीं, बस भले होम गार्ड में हो जाओ, भले पटवारी ली के ना एक फॉर्म तो छाड़ दूंगा। हमारी पहाड़ी ऑडियंस तो समझ गई होगी, तो हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब जब से मैंने अल्बानी में मतलब रूम ले रखा है तो मतलब महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और 4 हफ्तों में मतलब 4 से 5 लोग तो आराम से पहुंचे जा रहे हैं कमरे में। कमरे में कोई भी आ रहा है तो कह रहा है कोई पटवारी का पेपर देने आया हूँ, कोई कह रहा है SSC का पेपर देने आया। मतलब एक खुशी होती है भाई यार लौंडा पेपर देने आए। लेकिन भाई इतने पेपर देख के तो अब मेरा भी सर दर्द होने लग गया। मतलब इनकी ज़िंदगी निकल गई है भयंकर पटवारी और SSC के पेपर देने के चक्कर में, लेकिन आज तक कोई फॉर्म नहीं निकला। घर वाले भी आस में लगे कि भाई अब मेरा लौंडा भर्ती होगा, अब मेरा लौंडा भर्ती होगा, लेकिन लौंडे की उम्र तो फॉर्म भरने में ही निकल गई है। पहले मतलब को खाना ख़राब लौंडा मोड़ा उन्हें कि मतलब भर्ती ना हो कब बटे 500 रुपया फॉर्म में बर्बाद, 1000 रुपये का टिकट। लेकिन अगर गलती ने वो ना निकलो तो मतलब 1000 रुपए की बोतल तो मतलब पक्की। वो बात इन्हें से मतलब रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मुखानी चौराया, लाल डार तिराया, तिकोनिया तिराया, यहाँ से मतलब इनको बैठाना होगा, अपने कमरे में ले जाना होगा, सुलाना होगा बढ़िया ढंग से, खाना नहीं खाया तो खाना खिलाना होगा। मतलब यही प्रोसेस चल रही है जब से मैं हल्द्वानी रह रहा हूँ। तो मतलब अपने दोस्त से मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अब तेरी उम्र चली गई है तो आप प्राइवेट नौकरी पकड़ ले टाइम से। अपने सभी भाई लोगों से जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों से बोलना चाहूँगा भाई एक निश्चित टाइम तक ही तैयारी करें, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की तैयारी करते करते आदमी सब कुछ भूल जा रहा है और लास्ट में पैदल हो जा रहा है।
तो भाई ऐसा ना कर। और मेरे को भयंकर ये समझ नहीं आ रहा है इनको भयंचो मोटिवेशन देता कौन है यार इतने फॉर्म भरने लायक। मैं होता साला अभी तक आत्महत्या कर देता साला। जिंदगी में साले इतने पेपर दे दिए 18 साल से लोगों का आदमी फॉर्म भरने कर देता है, लेकिन 28-29 साल तक की उम्र में भी आज मोटे मोटे इतना फॉर्म भर रहे हैं। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना मोटिवेशन लोगों को मिल रहा कहाँ से। आदमी कौन है जो उनको मोटिवेट कर रहा है कि भाई अब तेरी सरकारी नौकरी डन है। अच्छी बात है यार तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन भाई उसके लिए क्या एक डेडिकेशन चाहिए भाई प्रॉपर। मतलब यार ये नहीं कि यार किसी में तो हो जाए वाला, मतलब एक अपना एम होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने फौजी बनना है तो फौजी बनना है, हाँ मैंने पटवारी बनना है तो पटवारी बनना है। लेकिन ये नहीं कि साला किसी में तो हो जाए साला। मतलब आदमी ये चाह रहा है कि साला किसी तरह मैं गवर्नमेंट जॉब में साला चिपक जाऊँ, पूरे 60 साल आराम की नौकरी खाऊँ। वैसे मेरे दोस्तों मैं मतलब जितनी भी बातें बोलता हूँ वीडियो में तो ये सब मजाक के तौर पर ही बोलता हूँ। मतलब ऐसा कुछ मेरा किसी को हर्ट करने वाला सीन नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त ही था वो, ऐसे दोस्तों के साथ तो मजाक चलती रहती है। फिर भी मतलब जितने भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अगर आदमी मतलब एक बार अपना एम सेट कर ले कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ करनी है, तो भाई उसके लिए मतलब उतनी डेडिकेशन चाहिए, मतलब हर चीज़ चाहिए यार उसके लिए, तभी जाके वो चीज़ हो पाती है। तो भाई आदमी अगर मेहनत करे लगे रहे तो एक ना एक दिन मतलब सफलता ज़रूर मिल जाती है यार। यार हमें तो नहीं मिल रही सफलता, इतना टाइम हो गया हमें, एक साल करीबन यूट्यूब पे हो गया, लेकिन यार मैं कंटिन्यू भी कभी नहीं रहा। तो नए साल से 1 जनवरी से मैं इस पे यूट्यूब पे कंटिन्यू हुआ हूँ, तो देखते हैं यार भाई हमारी सफलता हमें भी कब मिलती है। लेकिन मेरे दोस्त यार मैं दुआ करूंगा इस बार तो SSC की भर्ती हो जाएगा यार भाई। लेकिन की करो भाई, दौड़ लेते ना पाने वाली भी हो, दौड़ भी तो नहीं सकता आदमी, सारा पेपर निकाल दे तो दौड़ नहीं निकाल पाए। और पूरी प्रोसेस होने के बाद लौंडा दौड़ निकाल दे रहा है, पेपर निकाल रहा है, हर चीज़ हो रहा है, उसके बाद पता चल रहा है फॉर्म ही लीक हो गया उत्तराखंड का। तो भाई लौंडे मोटे तो वैसे ही भांग पी के सेट रहते हैं, उसके बाद उनको इतनी मेहनत करने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई पेपर मेरा लीक हो गया है, तो उसके बाद तो मतलब वो भांग के साथ दारू भी पीते हैं और ऊपर से रेलवे स्टेशन में सो जाते हैं। फिर फंसते कौन है, हम जैसे लौंडे जो हल्द्वानी में रेंट में रूम लेके रह रहे हैं, और भाई इन लोगों को मतलब ऐसी ऐसी जगह से पकड़ के लाना पड़ता है। एक दोस्त मेरे मतलब दिल्ली बड़े आठ थे, 2 बजे रात पुजू बनो, 1 बजे रात आदि मतलब शमशान घाट हो रहे हल्द्वानी, वो मतलब 1 बजे रात मैं उसको कॉल करम रही यार कहाँ से यार मैं यहाँ हल्द्वानी हल्द्वानी कोई नहीं पूछम रही, मैं तो मतलब झस्त दम रही यार आज को आयो वाली बार सीधा ये घूम रही यार, अरे यार कहाँ से यार मैं घूम रही यार जॉब में हो रहा यार जॉब में छू ना तो घर भी हो तो अरे यार घरे छू अरे क्यों भी हो तो पता अरे यार मैं हल्द्वानी आठ थी यार एक बार मैच लेने तो यार बल्कि क्यों भी हो अरे यार मैं पटवारी एग्जाम दो यार उमरी अरे मेरे दोस्त टाइम से अगर तुम्हें पढ़ लिया होता तो कब तक भर्ती हो जाता साला। और उनसे बुरी किस्मत मेरी है साला, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, ये नहीं कि लौंडियों को घुमाओ, इन लौंडों को मैंने बस अड्डे से अपने रूम से बस अड्डे में और इनके एग्जाम सेंटर पहुंचाने में मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही है। मतलब कुछ 5-6 महीनों से किसी को गाड़ी में बैठाना पड़ रहा है, किसी को एग्जाम हॉल में बैठाना पड़ रहा है, वो दारू के ठेके में हो तो उसको अपने कमरे में सुलाना पड़ रहा है। मतलब हल्द्वानी में यही चल रहा है मेरे साथ। वैसे मतलब मेरी फीलिंग ऐसी नहीं है कि यार भाई कि मेरे कमरे में कोई आ जाए तो यार चल मैं मना कर दूं। तो मतलब मैं ये वीडियो एक हंसी मजाक के लिए बना रहा हूं, उसको यार दिल पे मत लो, कि मेरे दोस्त कई दोस्त लोग यार मेरे साथ मतलब आते रहते हैं, अगर उनको पता चलता है यार भाई मेरा हल्द्वानी में दगड़े मेरा हल्द्वानी में अच्छा मतलब सब ने पल्ले उन रिश्तेदार छाड़ बैठे, रिश्तेदारों को छोड़ देते और बोलते भाई तू कहा है। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी सही लगती है यार कि यार सबसे पहले प्रायोरिटी यार अपने दोस्तों को देते हैं, तो कहीं अच्छा लगता है यार दोस्त जब हमारे घर आते हैं तो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 साल बाद 4-4 साल बाद भी मिलते हैं, तो ये तो मिलते रहते हैं। इन्हें की छाड़ो मतलब इन हर महीने कुछ जाम रहे हैं, मतलब ये लोग मतलब हर महीने पहुंच जा रहे हैं, हर हफ्ते पहुंच जा रहे हैं। तो भाई यहाँ से लेते हैं भाई क्या हुआ ये लेफ्ट टर्न लेते हैं भाई और निकलते हैं अपने रूम के लिए। वीडियो में अपना रूम तो दिखाना नहीं हुआ, अगर किसी और जो मेरे को नहीं जानता है मेरा दोस्त चलो भूल चुका है उसको भी पता चल गया यार ये बंदा यहीं रहता है तो वो भी पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे रूम में, कोई भी आ सकता है। लेकिन ये जन कह दिया कि यार मेरे एग्जाम था, ये शब्द सुन के मतलब मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरा एग्जाम है और जिंदगी निकली पड़ी है। सो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले अपने दोस्त के लिए भाई 2 लाइन, तो भाई ऐसा करता हूँ कि भाई ये तो फॉर्म भरते रहेगा SSC GD पटवारी होमगार्ड समूह गो समूह ब और सब भरते रहो, और
इस साल नहीं तो अगले साल क्या पता निकल ही जाए। अब तो सारा मेरे को भी भरोसा नहीं होने लगा है यार। एक टाइम के लिए तो मेरे को लगता था भाई कि हाँ भाई अब निकलेगा मेरा दोस्त, अब भर्ती होगा, अब भर्ती होगा। ये कहते कहते तो भाई 28 साल निकल चुके हैं लेकिन लौटा अब तक भर्ती नहीं हुआ। तो भाई आई होप कि मेरा दोस्त भर्ती हो जाए SSC GD पटवारी जिसमें भी फॉर्म भरता है। तो फॉर्म तो उसने काफ़ी सारे भर रखे हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मेरे दोस्त बुरा मत मानना यार। और भाई एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया भाई, अगली बार तो अगर SSC का फॉर्म भरेगा ना तो भाई सेंटर हल्द्वानी डालना मत भूलना यार। अगली बार फिर तुझे मेरे साथ आना और फिर मेरे हाथ से पिलना है भाई तूने।